बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक नया दिन, एक नई सुबह, और हम फिर से निकल पड़े अपने मैडम जी को लेकर एक नई राह पे, एक मंजिल की तलाश पे। आँखों में कुछ सपने सजाए और पलकों पे कुछ आशाएं बिठाए। यूजुअली हम जिस दिन जाना चाहते हैं उसी दिन ही खाना खिलाते हैं मैडम जी को, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। हमने कल रात को इनको खाना खिला दिया था और हम सुबह सुबह निकल पड़े उनके अनुमति को लेकर। आज हम किसी नए रास्ते से जाएंगे जहाँ हम जाना चाहते हैं, या लास्ट वीडियो पे जो आपने देखा था हम जा गए थे वो जगह, हम किसी नए रास्ते से जाएंगे। और ये नया रास्ता यही है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसके सीन्स और सीनारीज बहुत अमेजिंग लुक्स देता है, इसलिए हमने इस रास्ते को चुना। शायद सभी को पता होगा। तो आज की वीडियो पे हम सिर्फ बातें करेंगे, बातें जो हम अक्सर अपने मोहिनी के साथ करते हैं जब भी हम अकेले होते हैं। तो कुछ दिनों से हमारे अंदर कुछ बातें, हमारे अंदर कुछ दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट हमने दबा के रखा हुआ था, वो आज हम सब उनके साथ बातें करेंगे। क्योंकि बहुत दिनों से हमें टाइम नहीं मिल रहा था कहीं पे जाके हम उनके साथ बातें करें। इनके साथ बातें करने का मज़ा ये है कि ये सिर्फ सुनती है, ये हमें कुछ बोल नहीं पाती, और हमें सलाह मशवरा तो नहीं देती, लेकिन जो भी मैं कहता हूँ सुनती रहती है। इंसान तो नहीं है पर एक मशीन है, और मशीन के साथ मेरा इतना लगाव है ना कि मैं क्या बताऊँ। डोलू बाज़ार पे यहीं से होके जाएंगे हम अपने उस दिन वाले रास्ते पे। मैडम जी का तो खाना पीना हो गया, चलो हम लोग कुछ खा लेते, तो हमारा भी खाना हो गया और हम फिर से निकल पड़े। तो उस दिन हम शायद यहाँ तक आए थे, आज चलिए इससे आगे जाते और देखते आगे क्या है और कहाँ तक हम जा पाते हैं, कहाँ तक हम पहुँच पाते, मंजिल जो हमने चुना है वो तय कर पाते या नहीं। रास्ते शायद यहाँ तक ही ख़त्म है, अभी शायद ये रास्ता उतना ठीक ठाक नहीं है, लेकिन चलिए चलते हैं कुछ एडवेंचर करते हैं। नो मैन, आई डिडंट वांटेड दैट। और यहाँ पे जैसे भी की खुदाई चलती हुई ये देख सकते हैं।
तो हम चढ़ते चढ़ते बहुत ऊपर आ गए और अभी और आगे जाने का मन नहीं कर रहा। वो यहाँ पे मैंने एक व्यू देखा है पीछे, तो इसका कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं और अगर हो सके तो बाइक का कुछ सिनेमेटिक फ़ोटो खींचना अच्छा होगा आई गेस। सो आई शुड क्लिक सम फोटोज़ हियर। तो रास्ता बस ख़त्म ही हो होने वाला है आई गेस सो, और हम फिर उसमें पहुंच जाएंगे सपेट रास्ते पे। लेकिन इन रास्तों पे भी चलाने का मज़ा ही कुछ अलग है। एडवेंचर बोल देना वीडियो एडवेंचर। सो दैट इट इज़ मेरा बाइक का हालत देख सकते हो, एकदम पूरा खतरनाक से भी खतरनाक हो चुका है। वहाँ पे मैं गिर गया था, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा ही लग गया है और स्लिप हो गया था। उतना चोट तो नहीं लगा बट आई एम ऑलराइट। होता है, जितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो जाओ आप, लेकिन छोटी छोटी गलतियों पे आपको नुकसान दे जाता है। तो संभाल के रहिए, संभाल के आइए जाइएगा इस रास्ते पे। और तो वीडियो लगभग ख़त्म हो चुका है, उससे पहले कुछ बोलना चाहते हैं जो हमारे सहायता कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ ना कुछ सलाह मशवरा भी देते हैं जिससे हम अच्छे से अच्छा बन पाए और बेहतर से बेहतरीन बन पाए। उनको मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आप लोगों का शुक्रमंद भी रहूँगा। और कुछ उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो लोग सामने कुछ दिखाते और पीछे पीछे कुछ और, कि हम नए हैं, हम नए हैं और सीख रहे हैं। तो हमें कुछ जो नाकामियाँ हैं वो आप रहने दीजिए, हमें कुछ जो नाकामियाँ हैं वो आप रहने दीजिए। हमें ऊपर बैठे वो खुदा नहीं लेकिन सिकंदर जहाँ बनना है। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि हम क्या बोलना चाहते हैं। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए हम आपको दिल से सलाम प्रणाम करते हैं, शुक्रिया भी अदा करते हैं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा हमारे वीडियोस। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आप पुराने हैं तो शेयर कीजिएगा, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरी बात शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सलाह मशवरा देना अगर आपको है। हमारे वीडियोस में कुछ कमियां अगर है आपको दिखता है तो आप बताइए, उन पर काम करेंगे और अच्छा वीडियो कंटेंट लाना चाहेंगे। बिफोर दैट सलाम नमस्ते जय हिंद।